सर्दियों में मन करता है कि कुछ गर्मा गर्म खाया जाए। Nothing is better than a piping hot cup of soup। आज हम बना रहे हैं लेमन कोरिएंडर सूप, जो कि झटपट प्रिपेयर हो जाता है, विटामिन सी से भरपूर होता है एंड टेस्ट डिलाइटफुल। नमस्कार दोस्तों, अनुषा किचन में आपका स्वागत है। लेमन कोरिएंडर सूप बनाने के लिए हमें जरूरत है चिली, जिंजर एंड गार्लिक बारीक कटे हुए, साथ ही हमने लिया है कैरेट्स, मशरूम, स्प्रिंग ऑनियन और व्हाइट ऑनियन फाइनली चॉप्ड। साथ ही हम ले लेंगे सॉल्ट, लेमन जूस, ब्लैक पेपर, बटर, कोरिएंडर लीव्स, कॉर्नफ्लोर एंड पानी, नहीं तो वेजिटेबल स्टॉक्स। सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में बटर ले लेंगे, ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक को डाल के बहुत ही अच्छे से सॉटे कर लेंगे। बटर को पूरी तरह से पिघलने मत दीजिए, ये बहुत जल्दी से जल जाता है। या तो आप 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दीजिए साथ में, तो बटर नहीं जलेगा। बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। फ्लेम आपको लो ही रखनी है, लो मीडियम की तरफ रखिए, हाई रखेंगे तो बटर बहुत ही जल्दी से जल जाएगा एंड लहसुन में कड़वाहट आ जाएगी, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। देखिए, इस स्टेज तक हमें इसे फ्राई करना है। बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसे बाकी सब्जियां ऐड कर देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से सॉटे कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा रॉनेस यानी क्रंचीनेस आएगा, सूप आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। 3-4 मिनट के लिए सब्जियों को पकाइए, अच्छे से सॉटे कर लीजिए। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, पूरा सॉल्ट एक साथ नहीं ऐड करेंगे, हल्का सा ऐड करेंगे ताकि सब्जियां जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे आपको फ्लेम मीडियम ही रखनी है, बहुत लो रखेंगे तो सब्जियां का कलर खराब हो सकता है। मीडियम फ्लेम पे इसे पकते रहिए। आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं या बिना ढके भी पका सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सब्जियों को हमें ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कम होती ही है, उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है। ठीक है, इस स्टेज पे अब हम इसमें कटी हुई धनिया डाल देंगे और इसे भी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे। ठीक है, धनिया भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें पानी या वेजिटेबल स्टॉक ऐड करेंगे। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मार्केट से लाया हुआ वेजिटेबल स्टॉक बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो वो हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे बेटर होगा आप अपने घर का शुद्ध पानी ऐड कर लीजिए, वो बहुत ही हेल्दी रहेगा। या तो आपने घर पे वेजिटेबल स्टॉक बनाया है तो वो और भी अच्छी बात है। पानी को अच्छे से बॉईल हो जाने देंगे, तब हम इसमें बाकी चीजें ऐड करेंगे। देखिए, पानी बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं लेमन जूस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे एंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 3 टेबलस्पून पानी में मिलाकर इसकी एक स्लरी तैयार करेंगे और इसे ऐड करेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। बॉईल आते तक हमें इसे लगातार चलाना होगा ताकि कॉर्नफ्लोर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, अच्छे से 3-4 मिनट तक सूप बॉईल हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज्यादा थिक नहीं है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है। मुझे इस तरह का सूप पसंद है। अगर आपको और थिक सूप पसंद है तो आप कॉर्नफ्लोर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। पसंद आने पर लाइक भी जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।